हेलो गाइस, क्या हाल चाल गाइस। काफ़ी कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स जो हैं रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह लाइंड अप हैं। JKPSC जिनको कंडक्ट करवाना, जिनको अभी कंडक्ट करवाना है JKPSC ने, जैसे PLO DLO उसकी नोटिफिकेशन भी अभी आनी है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो JKPSC ने फरवरी के महीने में कंडक्ट करवाया था, अभी उसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है, या शायद मार्च में करवाया था आई थिंक। तो उसका भी उसका उसके रिज़ल्ट का भी कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी KAS प्रीलिम्स उसका भी एग्ज़ाम होना है, और मेंस जो है, जो अभी KAS मेंस हुआ था 2021, उसके रिज़ल्ट का भी वेट कर रहे हैं। लेकिन गाइस, आज एक खबर मैंने पढ़ी न्यूज़पेपर में, और ये न्यूज़ पढ़ के मुझे लगा कि हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। शायद हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं अपनी अपने इंस्टीट्यूशन से, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। और ये आप हेडिंग पढ़ रहे होंगे कि JKPSC हेडिंग टू बिकम डिफंक्ट अगेन, पुटिंग कैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स इन JEOPARDY। तो अब गाइज, आप खुद ही बताइए कि ये क्या चल रहा है और किस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं, और कितना टाइम इन्होंने लगाना होगा कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलें। क्योंकि अभी जो ये JKPSC के मेंबर्स हैं, ये सब रिटायर्ड हो रहे हैं। तो अब जब ये रिटायर्ड हो रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना होता है उसके लिए एक कोरम की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट एक कोरम होना चाहिए, तभी जाके कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि ऑलरेडी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ, द JKPSC इज़ ऑल सेट टू बिकम फुल्ली डिफंक्ट इन अनदर फ्यू डेज, एज अनदर मेंबर ऑफ द कमीशन इज़ गोइंग टू कम्प्लीट हिज टर्म इन फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये। अब आगे लिखा है, विद द रिटायरमेंट ऑफ PSC मेंबर डॉक्टर फारूक अहमद लोन, हु इज़ आल्सो एक्टिंग एज एडहॉक चेयरमैन सिंस द सुपर एनुएशन ऑफ देन चेयरमैन BR शर्मा, द कमीशन स्ट्रेंथ विल रिड्यूस टू 3 मेंबर्स, थस फेलिंग टू कंप्लीट द मैंडेटेड कोरम फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेस। गाइज, यहाँ पे चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा है कि जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है और कोरम चाहिए। कोई भी अगर बिज़नेस का ट्रांजेक्शन करना है, तो मतलब कोई भी अगर JKPSC में कुछ भी अगर कोई भी काम करना है, तो उसमें कम से कम एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कोरम चाहिए होता है। इन एब्सेंस ऑफ कोरम द कमीशन विल नॉट बी एम्पावर्ड टू टेक एनी डिसीजन विद रिगार्ड टू एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज वेल एज डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी अफेयर्स, ऑफिशियल सोर्सेस टोल द एक्सेलसर। तो आप देख सकते हैं कि जब तक कोरम नहीं होगा, तब तक ना तो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, और ना तो बाकी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस का जो मसला होता है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हम नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, पर्टिनेंट टू मेंशन दैट एज पर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विसेज कमीशन रूल्स, वन हाफ ऑफ द नंबर विद द एडिशन ऑफ वन शैल कॉन्स्टिट्यूट कोरम फॉर JKPSC मीटिंग इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज इवन एंड इन केस द नंबर इज ऑड, द कोरम शैल बी सच नंबर एज मे एक्सीड हाफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, द सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ JKPSC इज 8 मेंबर्स एंड अ चेयरमैन हु एज पर द बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स डिसाइड ऑल कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोसीजरल मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द कमीशन इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ फिक्सेशन ऑफ शेड्यूल्स फॉर इंटरव्यूज एंड एग्जामिनेशंस।
अब आप देख सकते हैं कि जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाना हो, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अभी JKPSC में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं वो लाइंड अप हैं, जैसे अभी PLO DLO और कुछ और नोटिफिकेशंस आउट होनी थी, पर अभी उनकी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है। और जो लाइंड अप हैं एग्ज़ाम्स, जैसे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा। फिर आपके AS मेंस जो हुआ है, उसका रिज़ल्ट भी अभी निकालना है, वो भी अभी शायद मुझे नहीं लगता कि अभी वो जल्दी निकलने वाला है। तो अब नीचे लिखा है, हाउ एवर द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ JKPSC इज़ ओनली 4 मेंबर इंक्लूडिंग डॉक्टर फारूक अहमद लोन हु इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज द चेयरमैन सिंस सुपर एनुएशन ऑफ BR शर्मा। अब नीचे लिखा है कि ऑलरेडी रिड्यूस टू हाफ ऑफ ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड नो फुल टाइम चेयरमैन, द कमीशन इज समहाउ मैनेजिंग टू परफॉर्म द बिजनेस विच विल नॉट बी पॉसिबल आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ वैन द इनकम्बेंट एक्टिंग चेयरमैन इज अटेनिंग एज ऑफ सुपर एनुएशन विच इज 62 ईयर्स। यानी कि जो एक्टिंग चेयरमैन है वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं नेक्स्ट वीक। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट वीक वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि उसके बाद तो वो जो जो काम अभी वो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी अभी जो एक्टिंग चेयरमैन है उन वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अब आप समझ सकते हैं कि विच विल नॉट बी पॉसिबल आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अब जब कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं होगा, और अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे, विद द सुपर एनुएशन ऑफ डॉक्टर फारूक अहमद लोन फंक्शनिंग ऑफ द मेजर रिक्रूटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विल वंस अगेन कम टू स्टैंड स्टिल थस हिटिंग द गैस्टेड लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड पुटिंग कैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स इन जियोपार्डी। यानी जब ये जो एक्टिंग चेयरमैन है जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं गजटेड पोस्ट के, वो फिर से स्टैंड स्टील पे आ जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि उसका फिर असर क्या होगा, जो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हैं जो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का और रिजल्ट्स का, तो उसमें और डिले हो सकता है। फिर नीचे लिखा है, द डिफंक्ट कमीशन विल हैम्पर इवन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स सिंस ऑल कैरियर प्रोग्रेशंस एंड प्रमोशंस आर बीइंग डन बाय JKPSC थ्रू कन्फर्मेशन बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। तो अब जो बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट्स के और प्रमोशंस के, वो भी स्टैंड स्टील पे आ जाएंगे, क्योंकि JKPSC के थ्रू ही वो सारा कन्फर्मेशन वगैरह सारी होती है। तो अब नीचे लिखा है कि इट मे बी रिकॉल्ड दैट फॉलोइंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K स्टेट इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज JKPSC हैड रिमेन डिफंक्ट फॉर सेवरल मंथ्स टिल इट वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द इंडक्शन ऑफ 6 न्यू मेम्बर्स। तो अब आप समझ सकते हैं गाइज कि क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मुझे भी आते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा और रिज़ल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, और बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का क्या होगा, जैसे PLO DLO और बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, सिविल जज म्यूनसिप जज, उसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी कमीशन जो है वो अभी फुल टाइम है ही नहीं, और अभी रिटायर्ड होने हैं काफ़ी मेंबर्स, रिटायर्ड होने हैं और कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं। अब जब तक फुल टाइम कमीशन नहीं फॉर्म होगा तब तक तो बड़ा मुश्किल है कि कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ पाए। अब ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिले करवा सकती है एग्ज़ाम्स में, लेकिन हो सकता है कि जब ये जो एक्टिंग चेयरमैन हैं अभी इन्होंने शायद नेक्स्ट मंथ ही रिटायर्ड होना है, हो सकता है उससे पहले रिज़ल्ट आ जाए मेंस का, जो मेंस होना है। लेकिन अगर वो रिज़ल्ट आ भी जाएगा तो उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस है हो सकता है उसमें डिले हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो रिटायर्ड होंगे तो फुल टाइम चेयरमैन भी अपॉइंट करना है और फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अब गाइस कुछ कह नहीं सकते, तो फ़िलहाल जो ये न्यूज़ थी वो मैंने पढ़ी और मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि आखिर चल क्या रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ताकि आप कोई फॉल्स होप ना रखो और जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो रियलिटी है वो भी आपको अब तक पहुँचे। तो खैर, आप सब ने भी किसी पढ़ी ली होगी ये न्यूज़, तो
मैंने सोचा चलो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो बाकी गाइस अगर रिज़ल्ट निकलना होगा तो शायद जो कि केएएस मेंस का रिज़ल्ट हो सकता है इस मंथ के एंड तक निकल जाए, लेकिन मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि जिस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं रिज़ल्ट वगैरह और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने का डिले हो ही जाएगा। और बाकी लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।